ओम जी, क्योंकि हम हैं पतंजलि में, नमस्कार से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कहना पड़ेगा ओम। और यहाँ का मौसम है जबरदस्त, देखिएगा बारिश हो रही है। ये 4 सितंबर को हो रखी है बारिश का, ये 3-4 दिन का ब्लॉग मैं आपको बना कर दे रही हूँ। तो देखिएगा, अब ड्रेसिंग का समय हो रहा है मेरा, देखते हैं आज शायद हरी झंडी कब मिलती है, शायद 2-4 दिन बाद मिल जाएगी हरी झंडी। और इस समय मेरा दाना पानी जाने का मन हो रहा, क्योंकि मुझे आ रहा है चक्कर भी, इतनी अच्छी हो रखी थी, तो मैंने कहा आज तो मैं कुछ पोहा वगैरह खा के आती हूँ। और इधर है यज्ञशाला, यहाँ से यज्ञशाला के लिए जाते हैं और पंचकर्मा के लिए भी इधर ही जाते हैं। और ये है मेरे हाथ में 24 घंटे रहता है थाला, क्योंकि यही पहचान पत्र है यहाँ की। और ये देखिएगा, यहाँ से जो है बच्चे छात्रावास के लिए भी चले जाते हैं। इधर साइड में एक गेट है बाहर जाने के लिए, जो ड्यूटी में रहते हैं ना वो उधर से भी आ जाते हैं। और बाबा जी बनवा रहे हैं बिल्डिंग, जो कि 3 माले थी, अब हो गई 2 माले, और क्योंकि मरीज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, फायदा होता चला जा रहा है इसी तरह से। और ऊपर को जो इनके मरीजों के जाने के लिए भी बनाया जा रहा है, 5 मंजिल बिल्डिंग बनी है, तो वहीं से ऊपर जाने के लिए भी वही बनाया जा रहा है, वहीं से मरीजों को ले जाया जाता है। चिड़ियों के लिए यहाँ घोंसले बनाए गए हैं। और ये जो यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं ना छात्रावास में, उनको अगर कुछ हो जाता है तो इसी तरह से उनकी ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे लाते हैं। आज़ादी किसे कहते हैं, कैद वाले से पूछे, हाल है हमारा भी वही। और बादलों ने बता दिया है हम आपके साथ हैं इस आज़ादी में। जय श्री राम। चेहरे की खुशी से पता चला हुआ, कष्ट का निवारण हो गया है और आज घर वापसी हो रही है मेरी। जय श्री राम। हमारे मुंह से निकला था कि हम घर जाएं तो बारिश हो और सुहाने मौसम में हम घर जाएं, तो सेम वैसे ही हुआ। आज इंद्रदेव भी खुश हो गए कि बेटा खुश होकर जाओ, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, आ देखिएगा फोक फोक हो रखी है पूरी, मजा आ रहा है। सीट बेल्ट लगा लेती हूँ भाई मैं भी। प्रेम आश्रम के किनारे बहती हुई गंगा की धारा, मनमोहक, दिल छू लेने वाली, जय हो गंगे मैया। सबसे पहले दर्शन यहीं पे हुए हैं माँ गंगे के, आप भी कीजिए। गाइस, ये इतना एरिया यूपी में आता है और इसका उद्घाटन योगी जी ने किया था। ये ओम ब्रिज है और बहुत ही खूबसूरत, दिल छू लेने वाला दृश्य है यहाँ का। मैं आ रही हूँ वापस, मेरा इंतजार करना, तुम सामने विकास मुझको है प्यार करना। घर जाने की जो खुशी होती है ना, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अलग होती है। ये क्या सुपर मौसम है यार, आने सारे दुख दर्द अलग हो रखे। बैठा जा नहीं रहा था इसलिए मैं लेट के जा रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में इसको चेक भी करना पड़ता है महाराज को। 60 की बता के 100 पे चली जाती है गाड़ी, और मज़ा तो आ ही रहा है। गाइस, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और मेरी मंजिल पास आने वाली है। गदरपुर से निकल चुकी हूँ मैं, ये देखिएगा हाईवे चल रहा है। नज़ारे हाईवे चल रहा है और कुछ ही देर में पहुंचने वाली हूँ। घर पहुंचने की तो एक अलग ही खुशी होती है ना, गम भी है। अभी सेठ को छोड़कर आई हूँ, मेरा बेटा सुस्त पड़ा था वहाँ। कोई बात नहीं, अभी से अगले महीने बोलेंगे हम, तुम एक ही तारीख और एक ही दिन आएंगे फोन करके एक दूसरे को। तो मैं अपने घर पहुंचने वाली हूँ, अपनी नुन्नू को जप्पी डालूंगी, और अपने घर की खुशबू, अपने घर की महक ही अलग होती है। सारी दुनिया में चले जाओ, कितना भी पैसा, कितने भी आलीशान, कितने भी विला लेके रह लो, जाके कितने भी अच्छे होटल में रह लो, कहीं भी चले जाओ, कितना भी सुख हो, लेकिन भाई जो सुख अपने घर है ना, वो कहीं भी नहीं है किसी से
सारी दुनिया में सारे सुख एक तरह तो अपना घर का सुख अपना ही होता है। तो मिलवाती हूँ, मेरी नन्नू इंतजार कर रही है मेरा। रुद्रपुर से निकल गए हैं, रुद्रपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम हरिद्वार से चले हैं, तब से हमारे साथ साथ बारिश चली। एक दिन अचानक में मैं ऐसे कहने लगी, यार जिस दिन हम जाए ना तो काश बीनी बीनी सी खुशबू आती रहे मिट्टी की, और हल्की हल्की तेज वाली भी नहीं, हल्की हल्की बारिश होती रहे ताकि मिट्टी में जाए और मिट्टी की खुशबू आए। तो परमात्मा ने सुन लिया, कल से ही बारिश होनी शुरू हो गई थी। शाम को बता दिया था मेघों ने, तुम्हारी विदाई है अब कल को। मुझे भी नहीं पता था कि आज आना है, लेकिन मुझे हरी झंडी मिल गई। तैयारी तो मैंने 2-3 दिन से कर रखी थी, लग रहा था कि मैं चली जाऊंगी, अब कहने लगे थे जख्म पहले से सही है। और आगे घर चल के बताती हूँ मैं। गाइस पीएससी में पहुंच चुके हैं हम और अपने घर आ गए हैं। देखो नन्नू मिलती है नहीं मिलती है, मेरी नन्नू होती तो स्वागत करती है, कोई नहीं करेगा। ट्यूशन गई क्या? ट्यूशन हाँ, ट्यूशन गई हुई है। हमने काहे की जंग जीत ली, हमारा खा लो। हेलो जी, नमस्कार। जैसा कि आपने मुझे देखा था, परसों मैं घर आ गई थी, कल आराम से मिलने जुलने में रही थी, और कल मम्मी भी घर चली गई हैं, क्योंकि मम्मी को भी 1-1.5 महीना मेरे पास हो गया। अब आपको ब्लॉग में देखने मिलेगा मेरी आगे की जर्नी, में किस तरह से घर पे रहती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे अपनी केयर कर रही हूँ। तो केयर क्या, काम में मेरी हेल्प हो ही जाती है, मैं तो ज़्यादातर अभी आराम ही कर रही हूँ। और ड्रेसिंग, जैसा कि उन्होंने मुझे समझा के भेजा था वहाँ से कि साफ सफाई का ध्यान रखना है, ड्रेसिंग करनी है, बैठना कम है अभी, तो वैसे ही फॉलो कर रही हूँ, बैठ कम रही हूँ। और ड्रेसिंग अभी हुई नहीं है, अभी होगी थोड़ी देर में। गणेश चतुर्थी, जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सबके जीवन में गणेश जी मंगलमय और ऐसी रिद्धि सिद्धि की बरकत रहे। आगे आगे अब से त्योहार शुरू होने वाले हैं, पहले श्राद्ध पक्ष आएगा, पितृपक्ष, उसके बाद नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे। शायद दूसरे या तीसरे नवरात्र में मुझे फिर पतंजलि जाना है चेकअप कराने के लिए, उसके बाद हरी झंडी मिल जाएगी कि कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। अभी तो परहेज भी चल ही रहा है, और बस आगे तक की वीडियो आपको दिखाते हैं। आज तक की वीडियो तो यही है, आराम करती हूँ अभी थोड़ा सा। खाना बनाने जा रहे हैं, देखो आज खाने में अरहर की दाल चावल बनेंगे, मैं रख दूँगी ऊपर की, हेल्प हो ही जाएगी। बस बाहर का मौसम देखिए, खिड़की से ही बाहर धूप निकली है, कपड़े वगैरह फैल रहे हैं। गाइस हम अपने पीएससी परिसर में रहते हैं, सरकारी क्वार्टर में, और मैं आपको अपनी बटालियन का भी दिखाऊंगी, क्योंकि घूमने जाया करूंगी। सामने मेरी जो मैंने अपना किचन गार्डन मेरा बना हुआ है, उसमें काफ़ी बेलें उग गई हैं, वो भी दिखाना है आपको। कुछ फूल पत्तियाँ मेरी ख़राब भी हो गई हैं, तो वो सब कुछ अब आपको अब से मेरे पीएससी परिसर के ब्लॉग आया करेंगे। मेरी भाईनी के कोई ब्लॉग में आएगा तो लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी, क्योंकि हर कोई परहेज भी करता है ना वीडियो में आने से, इसीलिए। तो होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब से मेरी नॉर्मल रूटीन की वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी, और ये हफ्ते में 2 वीडियो आया करेंगी, क्योंकि अभी ज़्यादातर रेगुलर नहीं बना पाऊंगी, तो 2-3 दिन का कैप्चर करके आपको दे दिया करूंगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, टेक केयर।